प्रतिमा में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का सौंदर्य आकर्षण भी दिखाया गया और इसकी रचना रामायण के संदर्भों से प्रेरणा लेकर की गई है। इसका मतलब यह है कि जिस तरह रामायण में भगवान श्री राम की आंखें कमल पत्र के समान, होंठ बिंब फल के समान, गला शंख के समान और उनके मुख को शरद चंद्र के समान बताया गया, उसी वर्णन से प्रेरणा लेकर भगवान श्री राम की ये प्रतिमा बनाई गई है। और जब आप कभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको यही प्रतिमा वहां गर्भगृह में दिखाई देगी। इसलिए आज आप सबसे पहले भगवान श्री राम के दर्शन कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। आज अयोध्या से रामलला की संपूर्ण तस्वीर सामने आ गई। आपको सबसे पहले भगवान के दिव्य अलौकिक दर्शन करवाते हैं। रामलला की मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी अवतारों को दिखाया गया है, मत्स्य, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। और इसके अलावा आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे इस तस्वीर में, इस प्रतिमा में, तो ओम, शेषनाग, चक्र, सूर्य, गदा, स्वास्तिक, आभा मंडल और हाथ में धनुष है। इसके अलावा मूर्ति के निचले हिस्से में देखिए प्रभु राम के सेवक भगवान वीर हनुमान है, जबकि दूसरी तरफ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ है। रामलला के एक मूर्त स्वरूप में आपको भगवान के कई अवतारों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। ये वो दिव्य तस्वीर है, इसमें भगवान राम का मुख बहुत पास से आप देख सकते हैं और इसमें आपको बाल स्वरूप रामलला के चेहरे पर मधुर मुस्कान नजर आ रही है, तिलक आपको दिखेगा। ये बहुत कुछ ऐसा है जैसा श्री राम की बाल्यावस्था की कल्पना करोड़ों राम भक्त अपने मन में करते रहे हैं। और ये भगवान राम की अजानुबाहु प्रतिमा है, प्रति बार को ही ये मूर्ति गर्भगृह में बने आसन पर रख दी गई थी। और साथ ही राम भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी खबर जो मैं देने वाली हूँ, ये कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यानी कि 23 जनवरी से श्रद्धालु अपने भगवान के इस स्वरूप के दर्शन नए मंदिर में कर पाएंगे। और इन सब के अलावा एक और तस्वीर आई है जिसमें वो मुकुट आभूषण श्रृंगार में दिखाई दे रहे हैं। करीब 250 किलो वजनी मूर्ति है और इसे स्थापित करने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है। 22 जनवरी से पहले मूर्ति को स्वर्ण आभूषण से सजाया जाएगा, रत्न जड़ित वस्त्र पहनाए जाएंगे, अलग अलग विशिष्ट अलंकार जड़ित किए जाएंगे और भगवान श्री रामलला के पूर्ण स्वरूप के दर्शन आप कर चुके हैं। अब आपको रामलला की मूर्ति में जो विराजित भगवान के दूसरे स्वरूप है और धार्मिक चिन्ह है उनसे भी परिचित करवा देते हैं। भगवान की मूर्ति की खासियत बनाती है वो है भगवान श्री रामलला की मूर्ति में सूर्य भगवान, चक्र।